या कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग रिलीज के साथ ही विवादों में घिर गया है। इसे लेकर तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। गाने में दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की बिकनी को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर फिल्म के इस गीत की बात की जाए तो 3:14 के गाने में दीपिका केसरिया रंग की बिकनी में मात्र 3 से 5 सेकंड के लिए ही दिखाई देती है, लेकिन दीपिका के भगवा रंग की बिकनी में दिखाई देने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म को लेकर सख्त चेतावनी तक जारी कर दी है। इसके दर्शन को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए ये विचारणीय प्रश्न होगा। ये बात और है कि इससे पहले भी केसरिया या भगवा रंग के कपड़ों में बॉलीवुड के कई स्टार्स अपने गाने या सीन्स को शूट कर चुके हैं और ये गीत भी शालीन तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन उन पर इस तरह का बवाल नहीं हुआ है। बीजेपी के सांसद और भोजपुरी एक्टर निरहुआ के गाने का एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक्ट्रेस आम्रपाली शर्मा केसरिया रंग में काफी उत्तेजक हाव भाव दिखाते नजर आ रही है। भाजपा के एक और सांसद मनोज तिवारी का एक ऐसा ही सीन वायरल है। यही नहीं, कैटरीना की भगवा साड़ी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि फिल्म भूल भुलैया का गाना हरे कृष्णा हरे राम भी भगवा कपड़ों में ही शूट किया गया था, फिर भी उसे लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं रही। हाल फिलहाल तो पठान फिल्म के गाने को लेकर गहराता विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।